चलिए इस मॉड्यूल का तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें क्या है, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ईएफटी सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिस्टम, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लिखे हुए, चार्जर लाएगा, चिप्स, चैट, चैट, हाँ नहीं नहीं पहले इसमें आओ, जो इंडेक्स है ये हाईनेट निकने, हाँ पहले आप इसमें आ, ये देखिए टॉपिक वाइज क्या दिया हुआ, देखो पहला है एडवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, दूसरा क्या है नेटवर्क सिनेरियो इन इंडिया, फिर क्या है इमर्जिंग ट्रेंड्स है, इवोल्यूशन ऑफ ईएफटी, फिर क्या है स्ट्रक्चर्ड मैसेज वाला है, स्विफ्ट वाला है, फिर क्या है ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम है, और क्या है टू लेवल फंड ट्रांसफर सिस्टम, और आखिरी क्या है डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या बोला उसने, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क जहां हमारा जो हमारी जो कम्युनिकेशंस है वो इधर से उधर जा रही है। ठीक है, तो पहला क्या बोलता है देखो उसमें, डेटा कम्युनिकेशन 454 पेज है, कॉम्पोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ वेरियस डेटा कम्युनिकेशन कॉम्पोनेंट, When the component operate together for the sharing of resources, they are said to be a network. का मतलब जब सब मिलके काम करेंगे तो क्या कहलाएंगे वो, network कहलाएंगे। ठीक है, तो पहला heading आता है transmission device and interface equipment, यानी किनके बिना network नहीं हो सकता, तो पहले बोला transmission device and interface equipment, एक तो हुआ सिर्फ मैं यहाँ से transmit कर लूँ, लेकिन वो जो transmit करके कहीं गया, जिस बंदे के पास गया उससे उसका इंटर कनेक्शन होना, वो इंटरफेस कराता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, मॉडर्न क्या हो गया, पहला सबसे पहले क्या है मॉडर्न, तो मॉडर्न देखो सुनो, यहां से सिग्नल आए, कोई बीच में ऐसा है जो इन सिग्नलों को आगे तक ले जा रहा है और किसी दूसरे तक पहुंचा रहा है, तो ये तो ट्रांसमिशन है, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट कहलाता है इंटरफेस, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या कहलाता है इंटरफेस, यानी कनेक्ट करने का, और इसके लिए कौन सी डिवाइस बोली इसमें, मॉडेम, ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा, दोनों दो से बनाया सर, हाँ दो से बनाया, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन क्या होता है, देखो यहां पर एनालॉग एनालॉग सिग्नल होते हैं, जो हम लोग आवाज निकालते हैं वो कैसी है एनालॉग, उस आवाज को डिजिटल कन्वर्ट करना, और डिजिटली आवाज यहां ट्रांसफर हो रही, अब डिजिटल इसे समझ में नहीं आएगी तो उसको दोबारा एनालॉग करना, तो ये काम मॉड्यूलेशन का और ये काम डीमॉड्यूलेशन का, यानी वो क्या करता है दो काम, फोन है हमारा, फोन में अंदर मॉडेम होता है, क्या हम जो बोलते हैं उसको बदलता है, इलेक्ट्रॉनिक भेजता है डिजिटल, जो डिजिटल वहां से आई उसको कन्वर्ट करके हमारे कान में एनालॉग भेजता है, तो ये मॉड्यूलेटर ये क्या है इंटरफेस करता है दो चीजों को। तो डेटा कम्युनिकेशन में पहला बोलता है ट्रांसमिशन की डिवाइसेस और दूसरा बोलता है इंटरफेस इक्विपमेंट, तो ट्रांसमिशन किससे होगा और दो चीजों के बीच में कॉन्टेक्ट कैसे होगा, कि आपने यहां से ट्रांसमिट कर दिया लेकिन वो वहां पर कैसे दूसरे एंड पे मिलेगा, तो ट्रांसमिशन डिवाइसेस इंटरफेस डिवाइसेस में कौन सी है, मॉडेम, जो कि ट्रांसमिट भी करती है और किसको यूजर से कनेक्ट भी कराती है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडियम से मतलब क्या है, आप देखो एक क्वेश्चन यहां पे बनता है आपका, सुनो ये है डिवाइस और एक है मीडियम, ठीक है, तो क्या मीडियम है कि ये काम करता है डेटा को पहुंचाने का, लेकिन ये किससे पहुंचाएगा,
मीडियम, जैसे कि सड़क और व्हीकल में क्या संबंध है? सड़क क्या है इसमें? डिवाइस है, मीडियम मीडियम मीडियम। जो ऐसे बोलते हैं कि हमें सामान यहाँ से चेन्नई भिजवाना है, मीडियम है। कौन से मीडियम से भिजवाएंगे? कार से, बस से, ट्रक से? वो तो मींस हो गया, मींस मीडियम हो गया। किन संसाधनों से? माध्यम तो यही होगा, माध्यम। ठीक है, सड़क माध्यम, ट्रेन और ऐसे करके। ठीक, तो ऐसी चीजें यहाँ पे दो चीज आई, क्या डिवाइस है, मीडियम। तो वो डिवाइस तो ये यूज होगी, लेकिन ये डिवाइस अपना काम किसके थ्रू करेगी? इंटरफेस नहीं, इंटरफेस खुद हो गया कि इसके बीच में, दो मॉडम के बीच में इसने कहा मैं भेजूंगी, या तो ये कैसे भेजेगी? वायरलेस भेजेगी, वो भी एक तरीका है। हमारे लिए हवा भी एक मीडियम है। ठीक है, दूसरा कैसे? वायर से। ये वायर आपके कितने तरह के होते हैं आप बुक में देखिए, क्या है? पहला ट्विस्टेड पियर, ऐसा तार हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है? कोएक्सियल, साथ में चल रही है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में क्या होता है देखो सुनो, ऑप्टिकल में बीच में एक प्लास्टिक की, उनके एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है, कांच कह लो। तो यहां से सिग्नल टच किया और जितनी स्पीड लाइट की होती है, सिग्नल देखो यहां टच किया और वही सिग्नल यहां निकला है। तो ओएफसी, ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो ओएफसी क्या कर रही है? ओएफसी हमारे सिग्नल को ले जा रही है थ्रू कैसा मीडियम है? ये ऑप्टिकल फाइबर, तो पूरा नाम हो गया। इसमें बीच में एक ऑप्टिकल है भाई, इसका नाम कोएक्सियल, तांबे का तार होता है, इसमें दो तार ट्विस्टेड होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में क्या है, वो सिग्नल कैसे जाते हैं? अब एक बात सुनो, वायरलेस और ऑप्टिकल फाइबर दो ऑप्शन दिए मैंने, किसमें डेटा ज्यादा सिक्योर है? सिक्योर तो इसमें है सर, इसमें इसमें ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि वायरलेस तो कोई पकड़ेगा ना सर। वायरलेस में कैच फ्रीक्वेंसी से काम कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच करा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकता जैसे हम लोग बिजली चोरी कर लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना, मैं यहाँ पर काटूंगा और अपना घर का तार लगा दूंगा, वो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल उसमें वो होंगे ना, कि कैसे जुड़ सकता है, कि डेटा का रास्ता कैसे बदल ले, कहाँ केबल है। ठीक है, तो अच्छा ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा एक आ गया माइक्रोवेव सिस्टम, तो माइक्रोवेव सिस्टम किससे संबंध? वायरलेस सिस्टम। ठीक है, फिर क्या है? कम्युनिकेशन सेटेलाइट, कि आपका कम्युनिकेशन यहाँ से सेटेलाइट पे जा रहा है और वहां से ट्रांसमिट। अच्छा नीचे आ गया प्रोसेस, देखो तीन चीज आ गई फिर समझ लेना, पहला है डिवाइस, दूसरा है मीडियम, तीसरा है प्रोसेस। किस तरह से होगा, क्या तरीका है, प्रोटोकॉल्स वगैरह वगैरह देखो क्या है। तो प्रोसेसेस में क्या है, प्रोसेसर्स क्या है? पहला क्या है? मैसेज स्विच, कि आपका मैसेज स्विच पे जाएगा, वहां से ट्रांसमिट होगा, मल्टीप्लेक्सर। और तीसरा क्या है? फ्रंट एंड प्रोसेसर। अब यहां मल्टीप्लेक्सर नाम आगे एक क्वेश्चन हो जाएगा, क्या क्या आता है देखो। तो पहला क्या है, मैसेज स्विच में क्या बोला, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा टू ए लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल ओवर ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। तो मैसेज स्विच क्या करते हैं, आपके कई सारे मैसेज एक ही तार से गए स्विच में पहुंचे, स्विच ने कहा भैया ये तो इधर जाना है, ये तो इधर की चिट्ठी है, ये तो इधर की, जबकि जा किस में रहे सारे, एक वायर में जा रहे हैं। उसका काम क्या है, पहचान, डेस्टिनेशन क्या है सिग्नल का, भाई पोस्टमैन तो हाथ से पकड़ के पढ़ के देखता है ना, ये डेटा पढ़ के देखता है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, मल्टीप्लेक्सर क्या है, इट इज अ डिवाइस दैट एनेबल्स मोर देन वन सिग्नल टू बी सेंट साइमल्टेनियसली ओवर ए वन फिजिकल चैनल, इट कंबाइंस इनपुट फ्रॉम टू और मोर टर्मिनल कंप्यूटर पोर्ट्स एंड अदर मल्टीप्लेक्सर। ये क्या है, इसका रिवर्स है, कई सारे सिग्नल एक जगह घुस गए और निकल के जा रहे। ठीक है, तीसरा क्या है, फ्रंट एंड प्रोसेसर, इट इज डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इंटरसेप्ट्स एंड हैंडल्स कम्युनिकेशन एक्टिविटीज फॉर द होस्ट कंप्यूटर।
चलो आगे देखो क्या है, थोड़ा सा दो मिनट और। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब क्या है मोड, ये एक क्वेश्चन पक्का आपका मोड आ गया। ये सारी हम क्या चीजें बता रहे हैं, ट्रांसमिशन के लिए क्या क्या जरूरी है, डिवाइस, जो डिवाइस क्या कर रही है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रही, दूसरा मीडियम, तीसरा प्रोसेसर्स, कैसे प्रोसेसर्स हैं, और चौथा क्या है मोड। मोड में कितने हैं देखो, सिंपलेक्स इसको समझ लेना, एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। एक पुल है पतला सा, ऐसे ऐसे करके गाड़ी निकलती है, दूसरा पुल है पतला सा लेकिन इसमें गाड़ी एक बार में जाती है, एक बार में और एक बार में आती है, जाएगी एक गाड़ी। तीसरा पुल है जिसमें एक समय पे आ भी सकती है, जा भी। तो ये क्या है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार कैसे होता है। तो पहले में क्या लिखा, ओनली वन डायरेक्शन, दूसरे में क्या लिखा, हाफ डुप्लेक्स, इसका नाम क्या है सिंप्लेक्स है, इसका नाम क्या है हाफ ड्यूप्लेक्स है, और तीसरा क्या है डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। अच्छा मुझे आप ये बता सकते हो कि आपका जो वायरलेस है सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, या ये वायरलेस और सिंप्लेक्स होना चाहिए, एक बार बोलो फिर रुको, फिर वो बोलता है हाफ डुप्लेक्स है, उसी फ्रीक्वेंसी पे आपकी आवाज जाती है और उसी पे आती है। तो अगर वो कहता है ओवर, जब वो ओवर बोलता है इसका मतलब अब तुम बोलो, जैसे इसको ओवर सुनाई देता है तो वो बोलता, अगर वो दोनों लोग एक साथ बोलेंगे ओवर बोलते ना भाई दोनों। अच्छा ये एग्जांपल बताओ सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स बताओ, टेलीफोन लाइन सिंप्लेक्स में काम करती है, एक आने वाली और एक जाने वाली, उल्टा नहीं चल सकता उसको, ये दोनों के साथ ही समय पा। ठीक है, अब एक आया हमारा फुल डुप्लेक्स, कोई बड़ा ब्रिज है आना जाना चल रहा है। अच्छा अब मोबाइल जो है वो सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है, मोबाइल में जब वो लगा लेते हैं हम कंप्रेस दो तो हो गया, तो नहीं मोबाइल सीम्स टू बी फुल डुप्लेक्स लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी वो अलग, वैसा लगता है लेकिन उनका क्या है, उनका सिस्टम जो है ऐसा है लेकिन वो दोनों अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। अच्छा बिजली का करंट जा रहा है वायर पे, एक साइड से जाता है से। इधर से करंट डालोगे तो भी चला जाएगा, इधर से डालोगे बोथ वे वाला, ये वन वे ब्रिज पहाड़ों में होता है ना कि जाने वाला रास्ते का ब्रिज ये है आने वाले के लिए। ठीक है, तो बहुत हाई कम्युनिकेशन में जब हम बात करेंगे तो कैसा है, तो स्मार्ट नेटवर्क कौन सा होगा, फुल डुप्लेक्स, और मेरे ख्याल से जो हमारा जो अपना केबल नेटवर्क होता है वो फुल डुप्लेक्स पे होता है, जो अपना डेटा वाला होता है उसी से आ रहे हैं जा रहे हैं, टकरा भी नहीं रहे, बच बच के निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अच्छा अब आगे क्या है, नेटवर्क सिनेरियो इन इंडिया, मेजर नेटवर्क, नेटवर्क कौन कौन से नेटवर्क हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, कौन कौन से क्या नेटवर्क, कौन कौन से नेटवर्क। तो पहला नेटवर्क क्या लिखा हुआ है, आई नेट, क्या लिखा हुआ है पहला आई नेट, तो आई नेट है पहला वाला, क्या खास बात है आईनेट की बात है देखो जरा, पेज नंबर ये है 456 में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीफोन 1991 में किया था। इट इज ए फास्ट रिलायबल फ्लेक्सिबल एंड क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, हम क्या बात कर रहे हैं नेटवर्क, आई नेटवर्क। ठीक है, और ये बोलता है कि ये X.24 डेटा नेटवर्क बेस्ड ऑन द पैकेट स्विच्ड पब्लिक डेटा, आप देखो आया क्या है, पैकेट स्विच्ड
पब्लिक डेटा, पी एस पी डी, पी एस पी डी, ठीक है। और इसमें छोड़ दो इसको, आगे आ जाओ। आईएनएट अलाउ द बोथ वे कनेक्टिविटी टू, बोथ वे कनेक्टिविटी किस किस के लिए, देखो एक है, पहला कौन सा है, रिमोट एरिया, रिमोट एरिया, आगे बिजनेस, फिर पढ़ो बोलो, मैसेज नेटवर्क, मैसेज नेटवर्क, नेटवर्क, ठीक है। दूसरा क्या है, हाई स्पीड वी सेट। अब देखो हाई स्पीड वी सेट नेटवर्क, सुनो वी सेट नेटवर्क, ठीक है, एच वी नेट, हाई स्पीड वी सेट नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है कभी कभी, वी सेट की फुल फॉर्म बताओ, ऑप्शन से पता चलेगी है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल अपर्चरल टर्मिनल, वेरी स्मॉल अपर्चरल टर्मिनल, अपर्चरल ए पी, अपर्चरल टर्मिनल, ठीक है। अगला है गेटवे पैकेट स्विचिंग सिस्टम, पैकेट स्विचिंग सिस्टम। अब ये बात समझ में आएगी स्विचिंग का मतलब क्या, स्विचिंग का मतलब कहीं से एक चीज आना और फिर उसको आगे पीछे वो करना, ठीक है, स्विचिंग करना। चलो टिपिकल एप्लीकेशन आईनेट इज यूजफुल फॉर द फॉलोइंग, काय काय के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है, रिमोट लॉगिन है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, डेटाबेस सर्विस है और क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन, इन सब के लिए, ठीक। और दूसरा आ गया नाम किसका, ये किसने किया हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ, कौन है डिपार्टमेंट ऑफ आईनेट, आईनेट तो कम्युनिकेशन का, टेलीफोन का, टेलीफोन टेलीफोन टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का। दूसरे का नाम क्या है, निकनेट, तो एनआईसी पता है, एनआईसी फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, एनआईसी। और अभी एक एनआईसी और सुना था हमने, वो था भाई एनआईसी दो है, थोड़ी देर पहले कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और ये है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, एनआईसी का होगा सारा, सरकार करती है। ये अपना जो सिस्टम है वैन के थ्रू काम करती है, अपने सैटेलाइट्स के थ्रू काम करती है, और इसके वी सेट हैं, क्या है इसके वी सेट के थ्रू ये कनेक्टिविटी करती है, ठीक है। इंडोनेट, इंडोनेट में क्या है, सीएमसी लिमिटेड, किसने करा है, सीएमसी लिमिटेड ने सेटअप किया था, और इसके बाद सारी कुछ वही है, इसका कुछ खास नहीं है। एक है आरबीआई नेट, कौन है, आरबीआई नेट, आरबीआई का भी नेटवर्क है अपना, ये सारे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नेटवर्क, आई नेट इंडियन नेटवर्क, ठीक है, एनआईसी नेट, इंडो नेट और आरबीआई नेट, ठीक है। अगला है इसमें देखो, अगले 458 पेज पे आइए, 458 पे ऊपर टॉप में कुछ लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन ऑफ सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट डेटा बाय कमर्शियल बैंक ऑफ टू रीजनल ऑफिसेस ऑफ द डिपार्टमेंट बैंकिंग ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये है फर्निशिंग ऑफ कंसोलिडेशन डेटा ऑफ रीजनल, कहने का मतलब है आरबीआई ने जो अपना सिस्टम किया हुआ है ना, आरबीआई ने किसके लिए किया हुआ, आरबीआई के क्या है रीजनल बिजनेस ऑफिस है, वहां से कहा है जो इनका सेंटर है, सेंट्रल ऑफिस है ना,
किसका आरबीआई के इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए जो यूज करते हैं. क्यों इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया प्राइवेट क्यों नहीं किया सिक्योरिटी भाई. बैंक का असली बैंक का डाटा हम कहेंगे भाई गूगल वालों हमारा काम कर दो तो क्या होगा इनके बैंकिंग. ठीक है तो ये क्या है उसका नाम क्या है देखो डीबीओडी क्या है डीबीओडी डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट बिला ऊपर टॉप में था ना. ठीक चलो अब आ जाओ किसमें इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर बैंकिंग. इमर्जिंग ट्रेंड तो उसमें कहता है आरबीआई वीसेट नेटवर्क. आरबीआई ने अपने वीसेट नेटवर्क का जो जाल बिछा रखा है ठीक है और वीसेट की फुल फॉर्म नीचे मिल गई देखो 458 पेज पे नीचे आई है. वेरी स्मॉल अपर्चर टनल. वेरी स्मॉल अपर्चर टनल. स्मॉल क्यों है जो आपकी छतों में छतरी लगी होती है उसकी एटीएम की तो वहाँ वायर नहीं है लीज लाइन नहीं है कुछ नहीं है. कई ब्रांचेज जहाँ पे वायर नहीं पहुंच सकती है जहाँ पे तो वीसेट के थ्रू वहाँ पे सर्वर के थ्रू सीधे कनेक्टिविटी दी गई. ठीक है तो वीसेट का है कुछ भी आप चलो आगे बढ़ो. अच्छा आगे देखो इसमें पेज नंबर 460 पे पेज नंबर 460 पे आओ. ये एक चित्र बना हुआ है इन्फिनेट ये था ना इन्फिनेट. हाँ एक और चैनल आ गया इन्फिनेट. आगे क्या इंटीग्रेशन ऑफ लीज लाइन एंड वीसेट नेटवर्क. तो देखो क्या करा देखो उसमें सिस्टम कैसे बना. लीज लाइन जहां तक लीज लाइन जाती है वहां तक तो लीज लाइन चली गई. मान लिया यहाँ से देहरादून से चले हम लोग धनौल्टी तक या मसूरी तक लीज लाइन चली गई. अब वहां से लीज लाइन नहीं जा सकती वहां से उन्होंने सिग्नल दे दिया कैसे वीसेट को. तो किसी पास के सेंटर से वीसेट सिग्नल लेके अपना काम कर देता है. ठीक है चलो इंटरनेट में अगर इंटरनेट यूनिट में बीएनडी की ब्रांच है ना. बिल्कुल है उसमें की जब देहरादून कर रखा है मेरा पैचमेट है वो ट्रांसफर हो गया पंकज. हाँ पंकज का ट्रांसफर. हाँ वो तो यहाँ पे आ गया मसूरी के पास में आ गए. अरे गोस्वामी ना. चलो तो ये देखो ये दो लिखे हुए एस एल आई पी और स्वाइन टू पॉइंट पीबीपी. एक प्रोटोकॉल जब हम लिख रहे थे तो ये प्रोटोकॉल बच गई थी कौन सी वाली पीबीपी और स्लिप. कौन सी प्रोटोकॉल दो बार आ गई स्लिप और पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पॉइंट टू पॉइंट. स्लिप में क्या है सीरियल बोलो लाइन लाइन के बाद भी कुछ है प्रोटोकॉल. इंटर नहीं है नहीं. अच्छा उसको बना दिया लाइन सीधे लाइन प्रोटोकॉल. तो जो हमने प्रोटोकॉल भेजी ये भी कुछ प्रोटोकॉल. ठीक है अच्छा अब क्या है प्रोसीजर टू कनेक्ट है कुछ नहीं छोड़ो उसमें. अच्छा एक छोटा बेसिक क्वेश्चन है इंटरनेट ब्राउजर. तो इंटरनेट ब्राउजर कौन कौन से है मोजिला फायरफॉक्स माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और कौन कौन से बताओ. और आपका सफारी सफारी ब्राउजर किसका है इसका आईफोन का उनका ब्राउजर का नाम क्या है सफारी. सैमसंग का अपना है तो ऐसे से करके. ठीक है अच्छा ये आ जाओ जरा. हाँ पेज नंबर 462 पे लिखा हुआ है गॉफर. लिखा गॉफर मिला इट अलाउ एक्सेस टू एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट लाइक रेफरेंस मटेरियल मैगजीन. तो ये गॉफर एक ऐसी वेबसाइट कह लो या कुछ कह लो जहां पर आपको हर तरह का लिटरेचर सारी किताबों का इंटरनेट वर्जन ई वर्जन मिलता है. एक तरह की ये लाइब्रेरी है चलती फिरती ई लाइब्रेरी. और इस लाइब्रेरी में दुनिया की लगभग हर किताब अवेलेबल है भले ही वो पेमेंट पे अवेलेबल हो. सबसे बड़ी तो जितने इंस्टीट्यूट होते हैं ना बड़े बड़े वो इसके मेंबर होते हैं गॉफर के. अपना एनुअल वो देते हैं वहाँ पे हाँ पेमेंट करते हैं. ठीक है गॉफर
एफटीपी बता दिया, एक है इंटरनेट रिले चैट आईआरसी, इंटरनेट रिले चैट पेज नंबर 462 में। इट अलाउज एक्सेस टू फोरम्स वेयर यूजर कैन हैव ऑनलाइन रियल टाइम डिस्कशन अक्रॉस द ग्लोब। तो एक तरह से क्या होगा भाई, चैट होते ना, तो इंटरनेट रिलेटेड, यानी ये चैट जो है किससे चल रही है, इंटरनेट से चल रही है। हो गया मॉडल ए नहीं आ रहा है अपने पेपर का, वो जरूरी है मॉडल ए को कैसे होगा, वो स्पेस बहुत कम है, तो या तो इन्हें कुछ और ही कुछ लग रहा, किसी और पेंडल में दे दो ये पेंडल, कल कल वापस कर देना। तो कहाँ डाउनलोड करोगे? नहीं रहने दो, वेल सुनो मॉड्यूल ले तो कर लेगा, दे दो से बाकी। हाँ चलो और देखो, इंटरनेट रिले चैट समझ में, जहाँ पे दुनिया भर के लोग एक ही साथ बैठ के क्या कर पाएँ, चैटिंग कर पाएँ। ठीक है, अच्छा ई एफ टी में आ गया, छोड़ो सिविली लग गया, हाँ एक सेकेंड सुनो भैया सुनो, जरा 463 पे स्विफ्ट पे आ जाओ, एक क्वेश्चन हो सकता है तुमसे स्विफ्ट पे। क्या है स्विफ्ट की फुल फॉर्म? सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टैली कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल टैली कम्युनिकेशन। तो एक ये जितने भी फाइनेंशियल लोग हैं वो लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई, उसके रूल्स हैं, करेंगे काम, मेंबर होंगे, पासवर्ड होगा, तो उसके कुछ सिस्टम लिखे हुए हैं। देखो बोलता है किसने फाउंड करी है, बैंकों ने मिलाकर, सोसाइटी है ना बेसिकली, ठीक है, इन सब ने मिलकर करी है। मेन फीचर में देखो इसको क्या है, मेन फीचर में देखो 463 में ऊपर लिखा हुआ है, इट ऑपरेशनल थ्रू द 24 आवर है। दूसरा क्या है, इमीडिएट मैसेजिंग होती है। तीसरा क्या है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन आर स्टैंडर्डाइज, कि एक मैसेज जो एक बैंक दूसरे बैंक को भेजेगा उसका फॉर्मेट कैसा होगा, वो कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है। ठीक है, फिर आगे बोलता है ये, और ऑल मैसेज आर एक्नॉलेज्ड आइदर एक्सेप्टेड, और मतलब जैसे ही वहाँ पहुँचेगा होता ना मैसेज डिलीवर्ड। ठीक है, दूसरा इन्फॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ द टेम्परिंग। स्विफ्ट रेज्यूम फाइनेंशियल लाइबिलिटी फॉर द एक्यूरेसी एंड टाइमली, सुनना समझ में, कि अगर आपका मैसेज कहीं टेम्पर हो गया और समय से नहीं मिला और स्विफ्ट का फॉल्ट होगा तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इस बात की, कि आप हमसे करो, हम जो है बिल्कुल ओके काम करेंगे। ठीक है, नीचे मेजर मैसेज टाइप में आप देखो जरा कैसा है, जो मैसेज होते हैं स्टैंडर्ड, ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, मेजर मैसेज टाइप्स, कितने टाइप्स के मैसेज, एक वो है मीडियम, स्विफ्ट एक गेटवे, हाँ एक तरह से मान लो कि लोगों का बनाया हुआ, मतलब कुछ बैंकों ने 239 बैंकों ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सब मिलकर ऑपरेट करते हैं, सभी में एक तरह से मालिक हैं उसके, लेकिन वो बहुत सिक्योर्ड है। तो कैसे कैसे मैसेज देता है, पहला क्या बोला, कस्टमर ट्रांसफर्स एंड चेक्स, एक कस्टमर का इधर से उधर जाने का भी सिस्टम है ऑनलाइन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफर करता है, फाइनेंशियल ट्रेडिंग के लिए काम आता है, कलेक्शन एंड कैश लेटर्स, डॉक्यूमेंट्री कलसी, जितने एलसी के कम्युनिकेशन होते हैं सारे वो स्विफ्ट के थ्रू होते हैं। ठीक है, अलग स्विफ्ट कोड होते हैं, अरे ऐसा भी है ना, जैसे आप कोई विदेश में आपका दोस्त है अगर वो यहाँ पैसा भेजेगा, बेसिकली एनएफटी का एनलार्ज वर्जन है। एनईएफटी किसके बीच में काम करता है, इंटरबैंक, मतलब इंटरबैंक, और जो स्विफ्ट है वो किसके बीच में काम करता है, इंटरनेशनल हो गया, इंटरनेशनल इंटरनेट सब करेगा, इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंटरबैंक। ठीक है, इंटरबैंक, इंटरबैंक थ्रू कुछ के जो कौन सूतिया भैया किससे मिलना, ऊपर ऊपर वो ऊपर है ऊपर। ठीक, अच्छा और क्या है, प्रीशियस मेटल्स एंड सिंडिकेशन भी करना, देखो काम ट्रेवलर चेक्स, कैश मैनेजमेंट, कस्टमर, ये सब कुछ कर रहा है। ठीक है, सिक्योरिटी में आ जाओ नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी सिक्योरिटी का, की ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, यानी कोई मैसेज आप तक आता है तो उसके लिए जब तक आप की नहीं लगाओगे तब तक आपको खोल के नहीं बताएगा, और वो की किसके पास होती है, हर स्विफ्ट मेंबर के पास, जो भी बैंक इसके मेंबर होंगे तो मैसेज वहां पे उनके हेड ऑफिस में आएगा, वो अपनी की लगाएंगे, मतलब डबल लॉक सिस्टम, की लगाएंगे तब वो पढ़ पाएंगे क्या लिखा हुआ है और वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन करेंगे। ठीक है, इनक्रिप्शन क्या होता है,
इनक्रिप्शन समझ लीजिए बहुत जरूरी है। इनक्रिप्शन होता है किसी सिंपल लिखी हुई चीज को कोडिंग करना, इनक्रिप्ट करना। समझ में ना आया क्या लिखा हुआ? चेकसम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चेकसम, चेकसम क्या है? इट इज ए सिक्योरिटी कंट्रोल टू प्रिवेंट ऑटोमेटिक चेंजेस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। क्या बोला? देखो, इट इज ए सिक्योरिटी कंट्रोल। चेकसम क्या है? सिक्योरिटी। तो चेक जैसा नाम है भाई, जो हम बोल रहे हैं कुछ वही चीज बिल्कुल सही हो रही या नहीं हो रही। इट यूजेस एज ए पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म बोथ द टेक्स्ट एंड द रिसीवर्स एड्रेस। सब चीज ठीक है। चलो अब आ जाओ क्लियरिंग सिस्टम। देखो ये एक क्वेश्चन सीधा सीधा, इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, कितने हैं देखो ये क्लियरिंग सिस्टम यानी चिप्स। हाँ, क्या क्या है? पहला देखो चिप्स, इसकी फुल फॉर्म यहां नहीं लिख रहा हूं, बुक्स में लिखी हुई है आपके 464 पेज पे चिप्स है। दूसरा क्या है? चैप्स है। बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है, मैं बता दूंगा। और क्या है? चैट्स है। और क्या है? एक आगे आएगा, फेड वायर है, बैंक वायर है। चलो इसको बात करते हैं, पहले इन तीनों को देखो। देखो ये चिप कहां पे होता है, ये बिल्कुल पता कैसे है? जैसे हमारे वहां आरटीजीएस है ना, जैसे हमारा आरटीजीएस है, ऐसा ही ये सिस्टम है, लेकिन ये इंटरबैंक किसी कंटिनेंट में यूज होता है। जैसे अमेरिका में कई कंट्री है, यूरोप में कई कंट्री है, तो ग्रुप हो गया ना एक, एशियन कंट्रीज है। तो पहला वाला जो क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम्स, कहां पे? अमेरिका। कहां पे? अमेरिका। ये पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कहां चलता है? चैप्स में क्या है? देखो यूके, ठीक है। चैट्स में कहां है? हांगकांग। ठीक हो गया? तो बात समझ में आई? ये है क्या चीज, जैसे हमारे वहां सिस्टम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड पेमेंट के, वैसे ही कहां पे है चिप्स? कहां पे है? यूएसए। तो चिप्स वहीं खाते हैं ना, ठीक है। चैप्स यूके और चैट्स हांगकांग, ठीक है। अच्छा अब आ गया टू लेवल फंड ट्रांसफर सिस्टम। टू लेवल फंड ट्रांसफर सिस्टम, तो इसमें देख लीजिए आप क्या है। पहला क्या है? फेड वायर। क्या है? फेड। तो फेड आपको पता है अमेरिकन बैंक को बोलते हैं फेड, ठीक है। तो पहला क्या है? फेड वायर, ठीक है। दूसरा क्या है? बैंक वायर। तो फेड वायर सिस्टम बोलता है यूएसए में जो फंड ट्रांसफर का सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का, वो क्या है? फेड वायर है। और 800 बैंक्स जो है इससे आपस में क्या है? लगभग जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा बैंक वायर में क्या है? इज ए पायनियर प्राइवेट सेक्टर, इज ए पायनियर प्राइवेट सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम ओन्ड बाय द एन एसोसिएशन बैंक इन। ये तो बोलता है बैंक वायर ना, बैंक वायर है। ये क्या है? एसोसिएशन है। किनकी एसोसिएशन है? इनकी बैंक से। कहां पे? इनका है। और ऊपर वाला किसका है? जो सुन लेना बात को, अमेरिका का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? फेडरल रिजर्व। क्या नाम है? अभी जब हम पढ़ रहे थे तो आरबीआई नेट पढ़ा हमने, आई नेट पढ़ा, इंडो नेट पढ़ा, कई सारे हैं ना। तो अमेरिका में भी दो बताया इसने, एक तो सिर्फ कौन चलाता है?